चोरी डकैती की कई घटनाएं अखबार की सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन कुछ डकैतियां ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। ऐसी ही एक डकैती की घटना हुई अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के प्रसिद्ध पियरे होटल में। बता दें कि ये इतिहास की सबसे बड़ी होटल डकैती है, जिसमें चोरों ने करीब $28 मिलियन की चोरी की। खास बात ये है कि इस डकैती में चोरों ने एक भी गोली नहीं चलाई और बड़े आराम से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। तो आइए जानते हैं इस डकैती की कहानी। घटना 2 जनवरी 1972 की है, जहां कुछ लोग कार से सुबह 4 बजे से कुछ समय पहले होटल पियरे के सामने उतरे। इसके बाद वो होटल के मेन गेट पर पहुंचे और वहां लॉक दरवाजे के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि उन्होंने होटल में कमरा बुक किया है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने भी दरवाजा खोल दिया। जैसे ही गार्ड ने दरवाजा खोला, उन लोगों ने गार्ड को कब्जे में लेकर बंधक बना लिया। होटल में चोरों की एंट्री हो चुकी थी। इसके बाद कुल 8 लोग होटल की लॉबी में घुसे और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद डकैतों ने होटल की तिजोरी को जाकर लूट लिया। डकैतों ने इस दौरान होटल ग्राहकों के विभिन्न लॉकर भी लूट लिए, जिसमें ग्राहकों के कैश, ज्वेलरी व अन्य महंगे सामान रखे हुए थे। चोरों ने कुल $3 मिलियन के सामान पर हाथ साफ किया और वहां से फरार हो गए। आज उन $3 मिलियन की कीमत करीब $28 मिलियन है। चोरों ने की थी गजब प्लानिंग। दरअसल चोरों ने चोरी की इस घटना को अंजाम देने के लिए गजब प्लानिंग की थी। बता दें कि होटल पियरे में रोजाना ऑडिट के लिए सुबह 4 बजे तिजोरी को खोला जाता था। यही वजह है कि चोरों ने चोरी के लिए सुबह 4 बजे का टाइम चुना। साथ ही उन्होंने पहले एक चोरी के क्रेडिट कार्ड से होटल में कमरा बुक कराया और वहां कुछ दिन रहकर रेकी की। इसके बाद आरोपियों ने चोरी की प्लानिंग की। इतना ही नहीं, चोरों ने चोरी के लिए 2 जनवरी का दिन चुना, क्योंकि 1 जनवरी को नए साल पर होटल के सभी ग्राहकों ने जश्न मनाया था और सुबह 4 बजे या तो वो गहरी नींद में सो रहे थे या फिर नशे में टली थे। यही वजह रही कि चोरों को ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और बिना एक गोली चलाए वह इतनी बड़ी लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। आरोपियों ने होटल पियरे को ही निशाना इसलिए बनाया क्योंकि होटल पियरे 70 के दशक में न्यूयॉर्क का बेहद मशहूर और आलीशान होटल था और वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी आते थे। ऐसे में चोरों को उम्मीद थी कि वहां से बड़ी मात्रा में पैसा और ज्वेलरी मिलेगी और उनकी यह उम्मीद सच भी साबित हुई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चोरों ने एक व्यक्ति की बचाई जान। जिस वक्त चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, उसी दौरान होटल में एक व्यक्ति को सीने में तेज दर्द हुआ। चोरों को पता था कि होटल में एक डॉक्टर ठहरा हुआ है, जिस पर चोरों ने तुरंत उस डॉक्टर को मरीज की जान बचाने को कहा। सुखद है कि डॉक्टर के इलाज से मरीज की जान बच गई। चोरों ने आराम से कई घंटे होटल में बिताए और फिर सुबह 7 बजे से पहले वहां से निकल गए, क्योंकि 7 बजे नई शिफ्ट शुरू होने वाली थी। एक हार के चलते आए पकड़ में। चोरों ने इतनी चतुराई से पूरी डकैती की थी कि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन इसे चोरों की बदकिस्मती कहें या लापरवाही कि उन्होंने होटल से जो एक हार चुराया था वह बेहद बेशकीमती और मशहूर था। कुछ दिन बाद ही पुलिस ने वह हार बरामद कर लिया और उसके बाद मामले की गुत्थी भी सुलझ गई, लेकिन पुलिस सिर्फ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई और सबूतों के अभाव में उन्हें सिर्फ 19 महीने की जेल हुई। बाद में इस चोरी को इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल चोरी होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे मशहूर चोरी के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।